हेलो दोस्तों, देखिए अंकित कर रहा है साफ सफाई जिन्ने की। जिन्ने पर जो पेंट और कलर खिंड रहा था उसकी साफ सफाई कर रहा है। पुट्टी खिंड जाती है ऊपर, पुट्टी है मंटी पर, तो उसकी पुट्टी वो साफ कर रहा है। साफ सफाई में लग गया आज। और ये अलमारी वाला कमरा रह गया था फाइनल करने के बिना, तो उसको आज फाइनल कर देंगे। मिस्टर जी पुट्टी लगा दी है इस पे, जो हमारी अलमारी है उसकी छत पर पुट्टी लगा दी है। वो भी इसमें कर रहे हैं प्राइमर, रेग मार मार कर प्राइमर कर रहे हैं। सबसे पहले पुट्टी की थी और उसके बाद रेग मार मारा, और आज प्राइमर का नंबर रखा है इस पे, तो ये आज प्राइमर मार रहे हैं। और टाइल्स की वजह से जो हमारा कार्य अधूरा था आज वो पूरा होने जा रहा है। चलो जी, अधूरा कार्य आज कंप्लीट हो जाएगा। इधर का कमरा तो होगा कंप्लीट। देखिए जी, प्राइमर बने हो, प्राइमर भी लग गई थी ना, और पुट्टी तो हो ही गई थी। ये तो होगा कंप्लीट, तैयार। पेंट होगा इस पर तो मिस्त्री जी ने पेंट कर दिया। देखिए अलमारी तो ऑक्सी भी पद पद के इसके पास ही जा। ये बड़े वाले मिस्त्री जी है, बाहर कैसे लाएगा ये हाथ? चांदी कलर मार गया था नहीं, बाहर बाहर लग रहा। हाँ बाहर तो ये जंगलों का भी लगता है हमारे। कंबल निकाल ले तू, ये दो कंबल थे और ये निकाल दे बनने। तो ना के भी वही पैड कार्ड भी नहीं पड़े, कार्ड भी निकले अब लो सारे। यहाँ तो पूरी वाइब ली जा रही रंगीन रंगीन हो जाइए, आराम से बैठ जा कर एक जगह। मशीन के ठीक हो रही है, बस एक सिलाई मार के उसको कर देता हूँ।
मम्मी ने कहा था है? काली जी अलग अब जा सफेद से भी अलग अब जा बिना सफेद से भी अलग अब जा आज तो मिस्टर जी फाइनली करके जाएंगे क्योंकि बोल रहे थे कि आज से काम जो है थोड़े रह गया है। ये गेट है, इसकी चौखट रह गई थी तो उसे कर रहे हैं, क्योंकि इस गेट में जो इस कमरे में बीम था एक, और बीम कट्टा है उसको काटने के बाद सेट किया है। सेट करने के बाद आज जो इस पर प्राइमर कर रहे हैं और गेट पर पेंट कर रहे हैं। सोच के कर रहे हैं मिस्टर जी, क्या पेंट की तखत तैयार कर दिए दो मिस्टर जी ने। बच्चा का दस्तान थोड़ा सा जस्ती है, तभी तो अच्छी जानी चाहिए। एक किया तखत तैयार कर दिया और दूसरा ये भी तैयार हो गया। और ये मिस्त्री जी जी हम लोग का मिस्त्री जी सीढ़ी बांध रहे, डबल सीढ़ी, ये डबल सीढ़ी कर रहे। ये बीच वाली ममटी के हैं। हेलो दोस्तों, राम राम जी। तो आज संध्या मंदिर पर आ गया हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो 4-5 हफ्ते बाद आया हूँ।
में फ्रेंड्स आज पतीले में कड़ी काफ़ी दिन हो गए थे। आलू डाल के बना रही है आज। फ्रेंड्स कड़ी बन चुकी है, बस थोड़े से पद्दा सा ओला ही हुआ उसमें तो, और आटा भी बना दिया। इधर समय है अभी बबली चाची एक बार देखे और कौन छोड़ने के लिए जा रहा। एडजस्ट पेंट छेड़ो से पेंट लगा उसमें है चिंटे मारे को ना अभी हाथ धो गए। चलो पेंट हो गया ये खड़ा मार रही है। चलो पूजा ने बना दिया कड़ी, कड़ी बन गई जी और सुबह को भी रखी है तो खाना खा लीजिए आप भी। मैं तो खा रहा हूँ अभी आया ड्यूटी से अपनी, 7:30 बज चुके हैं तो खाने का टाइम भी हो गया। उधर पूजा बना रही है चूल्हे पर खाना और इधर ये पेंट भी हो चुका है खिड़की पे और मेज पर भी। इधर मेज होगी, इधर हमारा जो बेड होगा पापा मम्मी वाला और इधर ये भी पेंट हो गया। पूजा इधर बना रही खाना। तो कुछ मौसम ख़राब हो रहा है तो बेड ये अंदर रख दिया और अलमारी भी अंदर रख दी जिससे कि बारिश की बूंद देने लगे और दस चूल्हा भी ढक दिया है। और ये मम्मी का संदूक है, पापा जी के शादी के टाइम का संदूक है छोटा सा टेची, ये भी पेंट कर दी बादामी कलर में। ये मम्मी का बेड है जिसको उस टाइम पर पिलंग बोलते थे उस टाइम पर ज़्यादा। ये तो मम्मी का पापा जी का पिलंग है, 35 साल का हो गया पिलंग। लेकिन ये डली बस इसमें ये पावे तो जो के तू है और डिजाइन भी कितना अच्छा है देखिए इसका, वो सब तो ज़्यादा मजबूत है। सिर्फ यही पलाई ख़त्म हो गई थी इसकी, पहले दीवान वाले आए थे पट्टी सी लंबी सी दीवार तो उस टाइप का था ये। अब से 6-7 साल पहले इस पर ही लगवा दी थी हमने, पलाई बिछवा दी थी जब तो मम्मी भी थी जब हमने पलाई लगवाई थी जब हमने तख्त बनवाए थे अब से 5-6 साल पहले जब लगवाई थी। बस कुछ समय की यादें रह जाती है जैसे कि मम्मी का पिलंग है और ये सोफ़ा सेट है ये मम्मी का, एक सोफा है ये। तो जी पेंट का कार्य भी ख़त्म हो गया हमारा, सब कंप्लीट हो गया। तो साफ़ सफाई का कार्य तेरा, साफ सफाई करेंगे उसमें लगे हैं, कल देखेंगे साफ सफाई करेंगे सारे भाई मिलकर। और चाची जी आ जाती है बबली चाची जी, प्रीति चाची, चिंकी, गुड्डू, वे भी बहुत सहायता करवाते हैं, बहुत हेल्प करते हैं और लगे रहते हैं काम में आकर। इतने गर्म कपड़े धो दिए और वे भी धोने जरूरी थे और अन्य काम भी बहुत हैं जो करने के होते हैं बड़ों के, वे करते हैं और हम भी करते हैं साथ में मिलकर और हमें कार्य बताते हैं, हमें ये कार्य करना है और ये कार्य करना है। तो चलो जी बड़ों को आशीर्वाद प्यार और साथ ही चाहिए हमें तो, और क्या ऐसे ही जीवन कटता रहेगा और आगे चलता रहेगा। तो आज के व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। राम राम जी, मिलते हैं नए व्लॉग में और अच्छे से व्लॉग में। राम राम जी।